हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक माय नेम इज इजेश वर्मा तो मैंने आपको जैसा कि कहा था कि हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पढ़ लिए ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स पढ़ लिए और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच का डिफरेंस भी हमने समझ लिया तो so, आज हम बात करेंगे पार्ट थ्री की राइट पार्ट थ्री में हम जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में राइट right? कि मतलब क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में कहा था कि क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं उन चीजों के बारे में बात करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वर्क तो सबसे पहले हमें टॉपिक दिया हुआ है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस स्टूडेंट सबसे पहले आप एक बात समझें कि ले लिया मैंने तो पहले मैं बात करता हूं कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज है इस वर्ड का मतलब क्या है आपने कॉम्प्लेक्स वर्ड पढ़ा होगा यहाँ तो हम इसे पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब जब कोई चीज़ को आपको जानना मतलब आपके लिए किसी चीज को जानना या मैं कहूँ उसको समझना थोड़ा मुश्किल पड़ जाए याद रखना थोड़ा उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाए तो हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज कई बार ये मैथ्स अकाउंट्स कॉस्टिंग

Uh, जहां पे इट्स वेरी हार्ड टू मेमोराइज ईच एंड एवरी शॉप के कौन सी शॉप कहां पे थी तो इसीलिए उसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोला गया तो कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब है जब कोई चीज समझना जानना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाए तो टॉपिक के नाम से ही अब क्लियर हो गया होगा कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस क्यों क्योंकि स्टूडेंट्स जब मैं अपनी होम कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाऊंगा दिस इज द थर्ड लेक्चर अब आपको समझ में आ जाना चाहिए देन देयर there... विल बी मैनी मोर चैलेंजेस जोग्राफिकल एरिया की वजह से चैलेंजेस आएंगे उस कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी पोलिटिकल पॉलिसी वजह से चेंजेस आएंगे उस कंट्री के कंजम्शन पैटर्न लोगों के कस्टम्स लोगों की वैल्यूज उनकी प्रेफरेंस इन सब की वजह से चैलेंजेस आएंगे तो जब हम कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करते हैं तो वॉट डू वी मीन बाय दिस दैट द चैलेंजेस फेस्ड बाई अस व enlarging their 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 business business while extending their business from their home country जिंग टू समर पार्ट ऑफ दर्ल्ड राइट तो जब मैं अपनी कंट्री को छोड़ के दुनिया के बाकी देशों में जाता हूँ ट्रेड करने वहां पे जो कठिनाइया उन्हें हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज ठीक है मैंने कहा था ना कुछ टाइपोज है तो टाइपोज की वजह से एक टॉपिक थोड़ा सा मिस हो गया कॉम्प्लेक्सिटीज कौन कौन सी आ जाती है तो जरा हम वो प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं तो जैसे कि हमें पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है स्टूडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम इंफ्रा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम क्या है देखो एक बात समझो आ, अगर आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स या कोई भी आपके क्वेंटेंस फॉरेन कंट्रीज में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया या यूएसए चाइना जापान ठीक है कनाडा ऐसे देशों में रहते हैं जो कि हम जिन्हें मतलब डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में रखते हैं तो अगर ऐसे देशों में रहते हैं तो आप उनसे पूछना कि उनका इंफ्रा आपके इंफ्रा से कैसे अलग है बहुत छोटी सी चीज पूछना वॉट अबाउट योर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखो सुरंत फिलहाल मैं कोई एक चीज इग्नोर पॉपुलेशन वाला पार्ट जो है इग्नोर करके बात कर रहा हूं ठीक है अब आप कंट्री में आओगे तो पॉपुलेशन की वजह से इंडिया में प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं राइट तो रोड्स उनकी रोड्स बहुत स्मूथ हैं क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो रोड पे ट्रैफिक प्रॉब्लम भी कंपैरेटिवली कम होता है मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होता है चाइना में भी होता है ऑस्ट्रेलिया में भी मेलबर्न में बहुत ट्रैफिक प्रॉब्लम्स है बट फिर भी उनके पास जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत एडवांस है अभी रिसेंटली आई वो स्टडिंग एन आर्टिकल जिसमें चाइना की एक बुलेट ट्रेन है उसका नाम मेरे दिमाग से स्किप हो गया द स्पीड ऑफ दैट ट्रेन इज स्टूडेंट्स सिक्स एंड ट्वेंटी थ्री किलोमीटर एक मतलब घंटे एक में वो ट्रैवल कर रही है दैट मींस इफ आप यहां दिल्ली से मनाली जाओगे तो अप्रोक्सीमेट दिल्ली से मनाली जाने में आपको लगेगा केवल दो से ढाई घंटा मतलब जिस सफर को लोग बारह घंटे के अप्रोक्सीमेटली ट्रैवल कर रहे हैं तो उस सफर को ट्रेवल करने में इट विल टेक ओनली 623 किलोमीटर पर आर की स्पीड के हिसाब से ओनली टू आवर्सिमेटली टू और टू मैक्सिमम तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम आएगी कि तुम्हें जो इंफ्रा इलेक्ट्रिसिटी के लिए रोड्स के लिए कम्युनिकेशन के लिए अपनी होम कंट्री में मिल रहा है वो तुम्हें दूसरी कंट्री में मिलेगा या नहीं मिलेगा ये एक चैलेंज पहला पॉइंट सेकेंड पॉइंट हमें दे रखा है लैक ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ अब एक प्रॉब्लम यह भी है कि मेरे को जिस कंट्री में मैं मूव करना चाह रहा हूं वहां पर उतना क्वालिफाइड स्टाफ होगा या नहीं होगा अब एक बात समझो जब यूएस से बिजनेस को लाया जाएगा इंडिया के अंदर जापान से बिजनेस को लाया जाएगा इंडिया में तो स्टूडेंट इट विल बी अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर देम क्योंकि जो लिटरेसी रेट है जो लेबर चाइना और जापान के पास जितनी स्किल्ड लेबर है अभी इंडिया के पास उस लेवल पे स्किल्ड लेबर नहीं है राइट तो जब तुम अपने बिजनेस को करने के लिए दूसरे देशों में लेके जाओगे तो तुम्हें उस क्वालिफाइड स्टाफ को लेकर के थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं नेक्स्ट हमें दे रखा है सोन ट्रेड बैरियर लेकिन देखो ये इतना बड़ा चैलेंज ज्यादा नहीं है क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे मैक्सिमम देश कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हो गए या नॉन टैरिफ बैरियर हो गए उनको हटा दिया जाए ताकि कंट्रीज आपस में लिबरल होकर ट्रेड कर सके क्योंकि तो जब सबका ट्रेड होगा तभी ओवरऑल वर्ल्ड का डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाए ठीक है नेक्स्ट हमें दे रखा है जो हमने पहले भी पढ़ा था फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट ठीक है अब ये इन एक्सचेंज एक्सचेंज रेट रेट का मतलब क्या है? देखो भी तो हो सकते हैं ना, क्योंकि तो अगर मैं आज आपके साथ ट्रेड कर रहा हूं लेकूट बीस दिन बाद पच्चीस दिन बाद होना है अब उस टाइम पे डॉलर का रेट बढ़ गया और मुझे पेमेंट आपको करनी थी तो मेरा तो नुकसान हो गया क्योंकि आप तो बोलोगे भाई ये रेट चल रहा है आप ये पे करो लेकिन कम हो गया तो मेरा फायदा फिर आपका नुकसान हो जाएगा तो इसलिए एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन का भी आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ताकि इन फ्लक्चुएशन से जो रिस्क आते हैं उनको अवॉइड किया जा सके बट दैट इज समथिंग डिफरेंट हम आगे उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट है अफकोर्स ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है करप्ट गवर्नमेंट आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री की गवर्नमेंट का बिजनेस के टुवर्ड्स क्या एटीट्यूड है मतलब वो करप्ट गवर्नमेंट है या वो बिजनेस को लेकर के काफी लाइक प्रमोटिंग गवर्नमेंट है कि जो चाहती है कि उनके देश में बिजनेस आए तो इससे भी फर्क पड़ेगा राइट ठीक है नेक्स्ट हमारे को दो आएगा जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कल्चरल डाइवर्सिटी राइट कि अब आपका क्योंकि कल्चर डिफर करेगा तो कल्चर डिफर करने की वजह से अगेन यू फेस यू विल बी फेसिंग मोर चैलेंजेस क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स ना बनाए या ऐसे प्रोडक्ट्स को आप आप इस कंट्री में, जो भी कंट्री में में भी जा रहे सेल ना करें जो कल्चरल वैल्यूज को हार्म पहुंचाए किसी भी तरीके से राइट ओके okay. तो ये बात थी स्टूडेंट्स हमारे पास किसकी ये बात हमारे पास थी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमारे पास क्या क्या आएंगी किस चीज के लिए इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए राइट चलो नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनलाइजेशन स्टेजेस का मतलब क्या है मतलब अगर मुझे किसी बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है किसी बिजनेस को मुझे इंटरनेशनली ग्लोबली करना है तो क्या क्या स्टेजेस किस तरीके से वो चीज होगी वो बात तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है इंटरनेशनलाइजेशन इसके बारे में बात कर लेते हैं तो इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ देखो नाम से क्लियर होगा स्टूडेंट ज्यादा अब इतना नहीं आपको बिल्कुल इतना बिल्कुल के वर्ड टू वर्ड जा रहे हैं तो नाम से चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपको तो इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब हुआ एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक कंपनी प्लान कर रही है कि वो अपना एक्सपेंशन करे और वो अपना एक्सपेंशन कैसे करे कि जो उनकी नेशनल बाउंड्रीज है दे जस्ट वॉन्ट के हम अपनी नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके हम क्या करें इंटरनेशनल मार्केट को टैप करें भाई मैं अपनी कंट्री में तो काम जो कर रहा था वो कर ही रहा हूं मैं अपनी कंट्री से वाइंड अप नहीं कर रहा

मैं ऑफलाइन तो स्टूडेंट्स को पढ़ा ही रहा हूँ ना

वो थोड़ा मच्छर का प्रॉब्लम है आप जानते ही होंगे ठीक है तो लिमिटेड जो है वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा राइट तो पहली चीज तो हमारे पास ये आ गई कि डोमेस्टिक कंपनी है लिमिटेड रिसोर्सेज है तो भाई इंटरनेशनलाइजेशन विल हेल्प यू ग्रो मोर टू एक्सपैंड मोर ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास डोमेस्टिक कंपनी फिर हमने क्या किया हमने फिर बनाया इंटरनेशनल कंपनी अब ये इंटरनेशनल कंपनी का मतलब क्या है हो सकता है कि अभी तुम ज्यादा कंट्रीज में ट्रेड नहीं कर रहे तुम कोशिश कर रहे हो दैट यू आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सपोर्ट योर जो भी प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में मतलब अभी तुमने सीधा कोई ऑफिस स्टार्ट नहीं किया तुमने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट नहीं किया तुम एक प्रोडक्ट बना रहे हो और तुम कोशिश ये कर रहे हो कि फिलहाल एक काम करते हैं किसी भी कंट्री को टारगेट करते हैं जिस कंट्री में पोटेंशियल बायर्स दिखाई हमें दे रहे हैं हमारी समझ के हिसाब से उस कंट्री को टारगेट करके वहां पे अपना सामान क्या करना करते स्टार्ट एक्सपोर्ट करना जिससे वी विल क्रिएट एन आइडेंटिटी ओवर दैट मार्केट सबसे पहले मार्केट में जाते ही पैसा लगा देने से अच्छा है थोड़ी सी छोटी सी एक प्राइमरी लेवल पे ब्रांडिंग कर ली जाए तो दैट अगर एक ब्रांडिंग हो जाएगी तो वो ब्रांडिंग मुझे एटलीस्ट इतना तो हेल्प कर देगी ना कि भाई मैं जब जाऊंगा प्रोडक्ट को लेकर के तो लोग जान जाएंगे हाँ ये प्रोडक्ट हमने पहले भी यूज किया है एज द कंपनी गेन्स एक्सपीरियंसेस ग्रेजुअली स्टार्ट एक्सप्लोरिंग में स्टार्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री बट मॉडिफाइड स्ट्रेटीज अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग कंडीशन इन द फॉरन मार्केट चलो फिर आती है बात मल्टी नेशनल कंपनी की अब मल्टी नेशनल कंपनी का मतलब तो आप ऑलरेडी जानते हैं स्टूडेंट्स मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब हुआ एक वो कंपनी जो एक जगह पे रजिस्टर्ड है जिसका जो हेड ऑफिस है वो एक जगह पे है बट वो उस हेड ऑफिस के थ्रू बहुत सारे मल्टीपल देशों में ट्रेड कर रही है तो आपका हेड ऑफिस एक जगह पे है बट यू आर ट्रेडिंग एट वेरी डिफरेंट लोकेशंस अब अलग अलग देशों में जाकर के अपना ट्रेड कर रहे हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं मल्टी नेशनल कंपनी अब जितने भी यूथ है का टारगेट क्या है ज्यादातर टारगेट यही है कि भाई बढ़िया से स्किल सेट हो जाए ग्रेजुएशन ठीक तरीके से हो जाए उसके साथ में एक दो चार कोई भी स्किल्स हो जाए जिससे कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है गुरुग्राम में नोएडा के अंदर ठीक है आपको वहां पे जॉब्स मिल जाए बहुत अच्छे से क्योंकि वो पैकेज अच्छा देते हैं और अलग जो भी फैसिलिटीज है वो देते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी द कंपनी स्टार्ट मॉडिफाइंग इट्स मार्केट इन मिक्स एज पर द मार्केटिंग एनवायरमेंट ऑफ द फॉरिन कंट्री राइट और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आई एम नॉट श्योर की आप लोगों ने वो एडवर्टीजमेंट कितना देखा है कितना नहीं लेकिन क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो देखते जैसे मैंने आपको एक आप टास्ट दिया था कि वो सर्च करना वैसे ही आप क्या करना एक बारी सर्च करना कि मैकडोनल्ड जो है ठीक है मैकडी तो कुछ टाइम पहले एग्जैक्टली नहीं पता बट 2021-2022 के आसपास उसने एडवर्टीजमेंट निकाला था कि मैकडोनल्ड जो है अब वो बेचेगा क्या आ, हम लोग क्या कहते हैं बहुत ज्यादा कुलचा हाँ तो आ, मैं श्योर नहीं हूं बट हां कुछ ऐसे करके मैकडोनल्ड्स ने कुलचा करके कोई प्रोडक्ट निकाला था ठीक है क्यों निकाला अब उसे बताया कि भाई नॉर्थ इंडिया में लोग कुलचा बहुत खाते हैं ठीक है छोले कुलचे तो बहुत जगह आपको दिखते हैं तो उसने कुलचा करके एक प्रोडक्ट निकाला था ताकि मैं यहाँ की मार्केट को टैप कर पाऊं दिस इज वट डू आई मीन बाय दैट कि जब कंपनीज आती हैं तो वो कोशिश करती हैं लोकल जो उनके टेस्ट है लोकल जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलप करने एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजेशनल

एक ना ट्रेंड सेटर हो गया अब वो अब उसने क्या है कि एक प्रोडक्ट निकाल दिया अब लोगों को पता है कि जारा ने निकाला है हो सकता है कि वो पर्टिकुलर चीज अभी तक इंडिया में लोग नहीं पहन रहे थे लेकिन क्योंकि जारा ने निकाल दिया तो अब लोग पहनना शुरू हो जाएंगे तो ये हो जाता है कि जब आप एक ब्रांड बहुत बड़ा बन जाते हैं तब आपको देखना नहीं पड़ता कि लोगों के रिक्वायरमेंट क्या है फिर तो आप ब्रांड हो यार आप जो बनाओगे लोग उसे फैशन ट्रेंड मान के बाय करेंगे ही तो ये आपके पास स्टेजेस आ जाती हैं कि डोमेस्टिक कंपनी फिर इंटरनेशनल कंपनी मल्टीनेशनल एंड एन ट्रांसनेशनल दैट इज कॉल्ड ग्लोबल कंपनी चलो